हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड कल्चर बाय रोशिका अग्रवाल। और जैसा आप देख सकते हो, मैंने कुछ ऑनलाइन स्टफ़ मंगाए हैं। रीज़न क्योंकि ये फॉरेस्ट एसेंशियल में बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा था, और ये जो ऑफ़र है ये स्टोर पे नहीं था, ये ऑनलाइन ऑफ़र था। तो आप जब भी प्रोडक्ट कोई ऑर्डर आपका फिनिश हो जाए तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लो कि ऑनलाइन कुछ अच्छे ऑफ़र तो नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज़ स्टोर पर तो ऑफ़र्स जो रहते हैं वो लिमिटेड ही आते हैं। तो मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर किया था, तो इसमें मुझे लिप बाम एंड काजल, ये दो प्रोडक्ट मुझे फ्री मिले हैं। इस यही रीज़न था क्योंकि वो लिप बाम एंड काजल वो रेगुलर यूज़ में आते हैं और इसके 100% नेचुरल होते हैं। तो पहले चलिए हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये पार्सल मुझे कल डिलीवर्ड हुआ था। ये ऑफ़र 22 जून तक लास्ट था। आप अक्सर इसके अगर आप नंबर रजिस्ट्रेशन कर दोगे या ईमेल आप डाल दोगे तो इसके जो भी ऑफ़र होते हैं वो आ जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर के जो ऑफ़र रहते हैं। और आप स्टोर में भी कॉल करके पूछ सकते हो कि अगर वो ऑफ़र है तो आप जाके ले लो स्टोर से। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी, देखिए सारे स्टफ। तो ये मेरा फेवरेट ब्रांड है और 100% नेचुरल है, और लास्ट 6 ईयर से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 6 to 7 ईयर्स हो गया आई थिंक मुझे यूज़ करते हुए ब्रांड। तो ये देखिए, ये फेशियल उपटन है और ये है सौंदर्य। इसमें उपटन में भी अलग अलग रेंज आती है। तो ये उपटन हो गया एंड दिस वन लिप क्रीम है। एंड ये सब चीज़ें मैंने परचेज़ की है, जो फ्री गिफ्ट आया वो मैं अलग से दिखाऊंगी आपको। और ये हेयर क्लिंजर है, ये हेयर क्लिंजर ही मुझे सूट करता है। अदरवाइज़ मैं जैसे ही कोई भी अपना शैम्पू चेंज करती हूँ तो मुझे तुरंत हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तब आइडिया हुआ कि मुझे ये सूट कर गया है। तो लास्ट 6 to 7 ईयर्स से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ तो मुझे कैरी करना पड़ता है, अदरवाइज़ मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये हेयर कंडीशनर है एंड ये है फेशियल क्लिंजर। तो ये जो क्लिंजर है ये नीम सैफ्रॉन कश्मीरी है। ये जो मिक्स स्किन होती है, जो थोड़ी ऑयली होती है, उसके लिए बेस्ट है। ये यूज़ करने के बाद से मुझे एक्ने का जो इशू था वो बहुत कम हो गया। और ये एलोवेरा जूस है उपटन में मिक्स करने के लिए, या एज कोई क्रीम अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसमें थोड़ा सा मिक्स करके लगाने से ये बैलेंस करता है। तो ये हो गया एलोवेरा जूस फॉर फेस एंड कोकोनट केसर। और ये आईब्रो एंड आई लैशेस सीरम है। एक्चुअली फॉरेस्ट एसेंशियल का अभी मेकअप रेंज में बहुत सारा प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो गया है। मैं ऑलरेडी इनका लिपस्टिक, काजल एंड इनका फाउंडेशन वो यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ तो मैंने ये मंगवाया इनका। एंड उसके बाद मैंने मंगाया है चिक टेंट। तो ये भी जो है एज ए ब्लश यहाँ पे टेंट के लिए, आप एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो ये। फिर अभी गर्मियाँ बहुत है तो मैंने इसका ये पाउडर मंगवाया है, और ये काफ़ी अच्छा है, किड्स के लिए भी सेफ है ये वाला, और काफ़ी अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। और ये मैंने मंगवाया है रोज़ फ्लेवर। और देखिए, इसमें जब भी आप फॉरेस्ट एसेंशियल से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो कुछ ना कुछ फ्री सैंपल्स वो उनकी वेबसाइट पे या स्टोर पे भी फ्री सैंपल्स देते हैं। तो आप स्टोर में अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो और अपनी पसंद का फ्री सैंपल ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ट्राई करना है, देखना आपको सूट हो रहा है कि नहीं, तो फ्री सैंपल लेके। तो देखिए, मैंने ये ट्रैवलिंग में जाती रहती हूँ तो उसके लिए मैंने ये फेस क्लिंजर लिया है। सेकेंड ये जेल मैंने मंगाया है, ये काफ़ी हैंडी रहता है हैंडबैग में रखने के लिए। और 4 प्रोडक्ट मुझे फ्री इसमें ट्रायल पैक में मिले हैं। एंड अदर वन ये मिस्ट मंगाया है, फेशियल मिस्ट, जिसे हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है फेस के लिए। एंड अदर ये बॉडी मिस्ट है। तो ये छोटे छोटे पैक आते हैं, काफ़ी हैंडी रहता है, और काफ़ी मतलब आप वॉशरूम में रख दो कहीं, मैं जगह जगह ये सारे जो इनके छोटे छोटे पैक रहते हैं रख देती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकें। अब देखिए, जो फ्री सैम्पल्स आया वो फर्स्ट है
ये इनका काजल, ये काजल जो है ग्रे शेड का है, मेरे पास ब्लैक है, तो ये ग्रे शेड का जो काजल है ये फ्री है इनका जब ऑफर आया था तब। तो इसलिए जब भी आप अच्छे ब्रांड में कोई जो लग्जरी ब्रांड होता है उसमें जब भी शॉपिंग करें तो कुछ ऑफर आए तो वो ज़रूर करें। तो मैं सारी चीज़ें स्टॉक में मंगा लेती हूँ, बिकॉज शैम्पू और कंडीशनर मेरा रेगुलर यूज़ होता है तो वो उसकी मुझे टेंशन नहीं रहती है। एंड अदर थिंग, मुझे दो तीन चीज़ें नई ट्राई करनी होती तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। उपटन डेली लगता है तो वो ऐड कर लेते हैं। एंड इनका ये रेगुलर है, ये कोई शेड नहीं है लिप का, ये रेगुलर बटर का है। सी, तो ये दो प्रोडक्ट जो है काजल एंड ये जो है, दोनों ऑफर चल रहा था तो ये मुझे फ्री मिला है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं 100% सेफ होते हैं, कोई भी केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ें मुझे भी यूज़ करना काफ़ी पसंद है। देखिए ग्रे शेड, तो मैं कोई भी ऑफ़र आता है तो ऑनलाइन या स्टोर में तो मैं पूछती रहती हूँ, और जब लेना हो तो एक साथ सारे सामान ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे, ये सारे आई थिंक 10,000 समथिंग के थे, और ये दो चीज़ें फ्री मिली। आई थिंक 2,000 या 3,000 वर्थ होगा इसका जो फ्री मिला, साथ में ये सैम्पल्स भी उन्होंने दिए। सैम्पल में ज़्यादा चॉइस नहीं थी तो जो मुझे यूज़ का था वो मैंने लिया। और सेकेंड स्टफ मैंने मंगाया ये अमेज़ॉन से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा ओपन किया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैक होके आया था, मैं थोड़ा सा ओपन कर दिया ऊपर ऊपर से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, ये देखिए, ये है चिनअप बार। ये जो है आपका पीलर टाइप का रहेगा जो वॉल में इस तरह से फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये आप जो है हाथ पकड़ के, दोनों साइड में हाथ पकड़ के आप हैंग हो सकते हो इस बार पे। तो जो आपके घर में अगर बढ़ते बच्चे हों तो उनकी हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है, अपने घर में आप फिक्स करा लो तो वो रोज़ वो इसमें 5 मिनट्स अगर रोज हैंग लटकते हैं ऐसे हाथ पकड़ के 5 मिनट्स या जितनी उनकी कैपेसिटी हो, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये अमेज़ॉन पर मिल रहा था तो ये मैंने ऑर्डर किया है। देखिए ये इसके साथ इसका लोगो का ये दिया है इन्होंने। अब ये फिक्स करूँगी तो मुझे आइडिया होगा, जब मैं फिक्स करूँगी तो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि फिक्स करने के बाद कैसे लग रहा है। आई थिंक ये वॉल पे ही कहीं लगेगा, ये कोई कवर होगा रॉड का, ताकि इसको पकड़ने के बाद रॉड को हाथ में पेन ना हो, सॉफ्टनेस के लिए होगा आई थिंक ये। एंड ये देखिए ये वॉल पे फिट हो जाए, उसका एक ये बार है आयरन का, देखिए इसमें ब्रांड भी मेंशन है। मैं लिंक डाल दूंगी कि कितने का है मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गए मुझे ऑर्डर किए हुए। और ये सारे स्क्रू हैं और ये इसका हैंडल है जिसको पकड़ के ऐसे हैंग करेंगे, तो किड्स के लिए भी अच्छा है, एडल्ट्स के लिए भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इसकी ये चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, यहाँ से भी पकड़ सकता है अगर छोटा बच्चा है तो, 5 to 6 ईयर्स के किड्स के लिए, और एडल्ट्स के लिए ऐसे पकड़ने के लिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। एंड एक और पार्ट उसका दोनों साइड वॉल में फिक्स होगा, तो अदर बार ये है, तो देखिए ये रहा, तो टू साइड ये बार ऐसे फिक्स करके वॉल पे ये लगाने का है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन है कैसे फिक्स करना है, बाकी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं कारपेंटर को बुला के जब इंस्टॉल करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इंस्टॉल करता हुआ वीडियो भी डालूंगी। एंड थर्ड स्टफ है, ये मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, सिल्वर स्ट्रीट करके है ये, इसमें सिल्वर के स्टफ मिलते हैं, मैंने अभी तक खोला नहीं है इसको। तो ये ऑलरेडी, ये वाला जो नेकलेस है ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसको बहुत पसंद आया था तो उसने भी ऑर्डर किया है। तो देखिए ये रहा, देखिए दिस वन, तो मेरे पास जो है वो ये रहा, सिल्वर स्ट्रीट में काफी अच्छे सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है। सेकंड मैंने ये वाला ऑर्डर किया था वहां से,
मैं थोड़ा ओपन में रखती हूँ सिल्वर ज्वेलरीज बिकॉज पहनने में इजी रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका शेड डल हो गया। अदरवाइज ये देखिए, ये सेकंड मैंने ये ऑर्डर किया था उनके यहाँ से, मैंने ये 3 ईयर्स बैक ऑर्डर किया था सिल्वर का, और इससे ही रिलेटेड मैंने ये इयर रिंग्स जो मैचिंग की है ये ऑर्डर की थी। तो अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने ये ऑर्डर किया, तो ये अभी आया है आज, तो ये अनबॉक्सिंग मैंने की है। देखिए कितना क्यूट है, बहुत ही अच्छा पेयर लगता है ये लगाने पे। देखिए कोई भी आप सूट हो गया, कोई भी हैवी ब्लैक लहंगा पहन रहे हो तो उस पर ये सिल्वर वाला आप नेक पीस पहनते हो तो बहुत अच्छा कंप्लीट लुक आता है इस चोकर का। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और शॉपिंग जो मैंने की है वो मैंने लड्डू गोपाल के लिए की है, उसका वीडियो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सावन का जो झूला होता है वो, और जन्माष्टमी के सारे स्टफ और खेल खिलौने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो वो पार्सल आ गया है बट मुझे खोलने का टाइम नहीं मिला, वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। सॉरी मुझे बीच में वीडियो रुकना पड़ा, कुछ काम आ गया था। तो ये मैंने ऑनलाइन सारी शॉपिंग की है, फॉरेस्ट एसेंशियल, अमेजोन एंड सिल्वर स्ट्रीट की शॉपिंग मेरी फ्रेंड ने की है। तो मैं आपको ये जो शैम्पू और कंडीशनर वो ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बिकॉज मुझे ये 7 to 8 ईयर्स हो गए यूज़ करते हुए, और मैंने जब हेयर कलर कराया था तो भी मैं यही शैम्पू यूज़ करती थी, उनका दिया हुआ शैम्पू यूज़ नहीं करती थी। एंड बिलीव मी, वो जो भी शैम्पू देते हैं उससे अच्छा मुझे ये लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, नेचुरल है 100%। तो मुझे ये बहुत पसंद है शैम्पू। अब मैं आपको ये सीरम भी एक बार खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये न्यू रेंज है मेकअप की, तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा है ये वाला। तो देखिए ये जो है आईब्रोज के लिए है एंड आईलैशेस के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए उससे आपकी अच्छी ग्रोथ होगी आईलैशेस की और आईब्रोज की। और एक ये मैं लिप बाम भी आपको खुल के दिखाती हूँ, लिप बाम अलग आता है इनका, लिप क्रीम अलग आता है, और एक और होता है इतना छोटा सा एक डिब्बी में आता है, वो कलर्ड लिप बाम होता है। एंड ये जो है ये लिपस्टिक है इनका, तो जिनको कुछ कोई भी शेड जैसा नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एंड जो इनका ये जो लिप क्रीम है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था ऑनलाइन, मैंने कभी यूज़ नहीं किया लिप क्रीम, मैंने लिप बाम यूज़ किया, लिपस्टिक यूज़ किए। लिप क्रीम के लिए ऐसा था कि अगर आपके पिगमेंट है अगर लिप्स पे तो वो लाइट पड़ने लगते, तो मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगाया कि मे बी ये अच्छा वर्क करे फॉर माई लिप्स। एंड उपटन की पैकिंग भी थोड़ी चेंज हुई है पहले से, तो मैं ये भी खोल के दिखाती हूँ। ये रहा मेरे पास, यही थी लास्ट पैकिंग भी, पहले थोड़ा नीचे से फ्लैट आता था इसका, अब ये नीचे से ये शेप का आता है थोड़ा ओवल टाइप का, तो ये उपटन हो गया। इस उपटन की खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको थोड़ी देर दूध से लगा रहे हो या कोई भी चीज़ में भिगा रहे हो गुलाब जल वगैरह में, तो इसमें केसर होता है, तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट भिगा के छोड़ दो, फिर आप ये उपटन यूज़ करो, तो केसर भी अच्छे से भीग जाता है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट फेस पे आता है, तो हमारा जो फेस होता है नेचुरली और ज़्यादा ग्लो करता है, बिकॉज केसर और सब चीज़ का इफेक्ट जो है वो भीग जाता है। वो जो हम जैसे अपने भी उपटन घर में पहले जो बनाते थे, वो रात को हम मसूर की दाल भिगा देते थे, फिर सुबह पीसते थे, ताकि वो जो उसका जो न्यूट्रिशन है या जो भी उसमें फ़ायदे की चीज़ें हैं वो पूरी अच्छे से भीग जाए, तो वो हमारे फेस पे ज़्यादा फ़ायदा करे। तो फेस में अगर हम 5 मिनट्स भी रखते हैं तो वो उतना ही इफेक्ट करता है, इसलिए मैं ये उपटन के रिकमेंड करूँगी कि लगाने से 5 मिनट पहले इसको भिगा दें फिर इसको लगाएं, तो बहुत फ़ायदा करता है ये उपटन। मैं एलोवेरा जूस भी दिखा देती हूँ, इसकी भी काफ़ी क्यूट पैकिंग है एलोवेरा जूस की, देखो ये देखिए। तो यही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट एसेंशियल के मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ और काफ़ी बेनिफिशियल है। मैंने और भी प्रोडक्ट्स पहले से ख़रीद के रखे हुए हैं, जो मैंने आई थिंक अप्रैल में लिए थे, तो उसमें भी काफ़ी ऑफर वगैरह उस टाइम भी मुझे मिले थे, वो मैंने स्टोर से लिया था, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। सीरियस वन, ये देखिए कंडीशनर की पैकिंग ऐसे, बीच में इन्होंने वो पंप वाली पैकिंग स्टार्ट की थी शैम्पू एंड कंडीशनर में, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी,
बट आई डोंट नो वो पैकिंग इन्होंने क्यों बंद कर दी। वो पैकेजिंग कम में काफ़ी इजी होता था, तो उसमें क्या है कि निकालने में बहुत इजी रहता है। इसमें सेम इशू आता है, फिर नीचे इतना सा रह जाता है, फिर उसको मुझे उल्टा करके रखना पड़ता है यूज़ करने के लिए। अदरवाइज वो पंप वाली पैकिंग में जब शैम्पू और कंडीशनर आए थे तब मुझे वो बहुत पसंद आया था। ये रहा। और एक चीज़ और, अगर आपके पास इस टाइप की बॉटल्स खाली जमा होती है 6 पीस तो आप स्टोर में दोगे तो आपको एक छोटा 50 ml का फ्री प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैक कॉस्मेटिक में भी सेम चीज़ होती है कि आप 6 खाली कंटेनर्स देते हो तो आपको फ्री लिप शेड मिलता है। तो ये चीज़ फॉरेस्ट एसेंशियल ने भी चालू की है, बट शर्त ये है कि ये प्लास्टिक वाले बड़े वाले जो खाली होते हैं कंटेनर्स वो आपको देने होते हैं, तो आपको फ्री कोई बॉडी वॉश या इस टाइप की 50 ml का कोई भी पैक वो फ्री देते हैं। अब ये देखिए, ये पंप की बात जो मैं कर रही हूँ ना, यही पहले उसमें शैम्पू और कंडीशनर में आता था। तो ये लिप ये है फेशियल क्लिनजर, और ये देखिए इसका शेड बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं फेस पे लगाते हो तो एकदम हल्का सा ही झाग होता है, जिससे पता चलता है ये नेचुरल है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स नहीं है। तो ये मेरी शॉपिंग हो जो मैंने की है ऑनलाइन, बिकॉज इसमें ऑफ़र था, अदरवाइज मैं स्टोर से लेते हूँ, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे ऑफर्स, होली, ब्लैक फ्राइडे, दिवाली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस टाइम पे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे ऑफ़र आते हैं, तो आप उसी टाइम पे एक साथ ही शॉपिंग कर लो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ये अमेज़ॉन का लिंक मैं डाल दूँगी, फॉरेस्ट एसेंशियल का भी लिंक डाल दूँगी अगर आपको कुछ लेना हो तो, और आप वहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कोई भी ऑफ़र आने वाला हो तो। और साथ में सिल्वर स्ट्रीट का भी मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको डाल दूंगी अगर आपको कुछ सिल्वर स्टफ देखने हो तो, बहुत अच्छी डिज़ाइंस आती हैं उस पर भी। सो कीप सपोर्टिंग मी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।